नमस्ते आप सभी को। आप सभी का ऐसे ऑफिशियल कुकिंग में स्वागत है। इडली के आटे को बनाने का एक नया रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। आप इस रेसिपी से आप इडली बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। 1 किलो के लगभग चावल भिगा के रखा हुआ है, 1/2 किलो के लगभग उड़द का दाल भिगा के रखा हुआ है। मैंने ये सब सारा सामान रात को ही भिगा के, पूरा रात भर भिगा के रखा हुआ है। साबूदाना मैंने 1 कप के लगभग भिगा के रखा हुआ है। इसको आप पीसने के 1 घंटे पहले भी भिगा के रख सकते हैं, और सब और सारा सामान रात को ही भिगा दें। मैंने 2-3 चम्मच के लगभग मेथी दाना भिगा के रखा हुआ है। इसको भी 2-3 घंटे भी पहले भी भिगाएंगे तो भी चलेगा। इन सारे सामान को अच्छे से मिक्सर में अच्छे से बारीक एकदम ग्राइंड करके ले लेती हूँ। इसको अच्छे से पीसने के बाद इसको सारे सामान को एक ही में मिलाने का है। साबूदाना, मेथी दाना और चावल चावल उड़द सबको पीस के एक ही में मिक्स करके इसका पेस्ट बनाने का है। इससे क्या होगा, इडली बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होगा। सारे सामान को अच्छे से पीस लेते हैं। इसके ले लिया है चावल और उड़द की दाल को, सारा हम इसमें निकाल देते हैं बर्तन में। मैंने चावल और उड़द दाल को अच्छे से बारीक पीस के ले लिया है। अभी ये साबूदाने को बारीक पीस के लेते हैं। साबूदाने को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ बारीक पीसने के बाद। अभी मेथी दाने को अच्छे से पीस लेते हैं। मैंने मेथी दाना भी अच्छे से बारीक पीस के ले लिया है, इसको भी इसमें ही मिक्स कर देते हैं। सारा इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए मैंने सारा सामान अच्छे से बारीक ग्राइंड करके एक ही में मिक्स कर लिया है। इसका देखिए इसका बैटर मैंने ऐसे ही तैयार किया है, पेस्ट ज़्यादा पतला नहीं किया है क्योंकि इडली बनाने का है। अगर डोसा बनाना रहे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, लेकिन इडली बनाने का रहेगा तो थोड़ा ऐसे ही रहना चाहिए। इसको अभी मैंने पीस के ले लिया है। अभी इसको मैं 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ, क्योंकि पीसने के बाद 5 से 6 घंटे के बाद हम बनाएंगे तो इडली और अच्छा सॉफ्ट बन के तैयार होगा। रखा है इसको, पानी उबल रहा है। अब एक एक करके हम सारा इसमें सेट कर देंगे। अभी हम इसको ढक देंगे सेट करने के बाद। इसको 10 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे, 10 मिनट में हो जाएगा। देखिए अभी ये बन गया है। इसको हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अभी ये ठंडा हो चुका है। अभी इसको हम निकालेंगे। देखिए मेरा इडली बनके तैयार हो गया। देखो कितना सॉफ्ट इडली बना है, एकदम सॉफ्ट बना है। देखिए आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और बनाने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। और मैंने ये सांभर और चटनी का वीडियो नहीं डाला है, मेरे डिस्क्रिप्शन में चैनल पे आप जाएंगे तो आपको चटनी और सांभर का लिंक आपको मिलेगा, देख लेना एलसी ऑफिशियल कुकिंग में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।